जय भीम। हाँ। चंद्रशेखर जी देखिए, ये बड़ी लड़ाई है। सीए एनआरसी इस मुल्क को तोड़ देगी और हम इस मुल्क के साथ खड़े हैं। ये लड़ाई सिर्फ मुस्लिम भाइयों के लिए सबकी लड़ाई है और इस लड़ाई को हम कमजोर नहीं पड़ने देंगे। मैं गिरफ्तारी दे रहा हूँ सरकार को ये बताते हुए कि ये बिल सरकार को ये एक्ट वापस लेना पड़ेगा। मैं साथियों से निवेदन करता हूँ कि इस आंदोलन को कमजोर ना पड़ने दे, इस आंदोलन को और मजबूत करें, क्योंकि हम सबसे बड़ा मुल्क है। उस मुल्क को कमजोर नहीं पड़ने देना, हमारी एकता है, हमारी ताकत है। प्रोटेस्ट शांति प्रिय करें, इनको मौका नहीं दे आपको ऊपर लाठी गोली चलाने का, क्योंकि शांति से ही हम इन दुश्मनों को भी हरा पाएंगे। मेरी बहुत बहुत मंगल कामना है। खूब मिलकर मजबूती से पूरे देशवासियों से कह रहा हूँ, सड़क पे निकलिए। ये किसी जाति धर्म का मामला नहीं है, ये पूरे मुल्क का मामला है। पूरे मुल्क को कमजोर करने की साजिश की जा रही है, और स्पेशल दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के तो हक छीनने के, उनके वोट का अधिकार, रिजर्वेशन, उनको जो सरकारी अधिकार मिला सब छीनने की तैयारी, उनकी संपत्ति जब्त करने की तैयारी है। मैं इनके साथ इनको समझ गया, मैं लड़ रहा था तो, लेकिन वो जो वहां बैठे हैं अमित शाह, उनको ये कहना है कि चंद्रशेखर किसी भी हालत में चाहिए, तो चंद्रशेखर खुद जाने को तैयार है। लेकिन याद रखना, अंबेडकरवादी झुकते नहीं, बाबा साहब का बेटा हूँ, गर्दन कटवा दूंगा, लेकिन जो जबान दी थी कि जहाँ मेरे मुस्लिम भाई का पसीना गिरेगा वहाँ खून दूंगा, उसके लिए आज कोई भी कुर्बान देने को तैयार हो तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी साथियों का, ये आंदोलन जारी रखेगा मेरे जेल जाने के। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।